जय गो माता, वंदे गो मातरम। बहुत बड़ी सच्चाई देखने का और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आजकल जितनी न्यूज़ में एड मिल्क की, दूध की एड आती है, टीवी में आती है, चैनलों में आती है, उसके पीछे की सच्चाई क्या आप जानते हैं? आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। डेयरी उद्योग में नर बच्चों की क्या हालत है, उसके बारे में आप कभी जानने का प्रयास किया है? किस गाय का आप दूध पीते हैं, किस जानवर का दूध पीते हैं, उसके पीछे उसके जो वंश है, उसके बच्चों की क्या हालत है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करिए। साथियों, आप जानते हैं समाज के अंदर जो दूध आ रहा है वो ज़्यादातर इंजेक्शन से आ रहा है, और उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो बॉडी के अंदर एक सेकंड में पूरी बॉडी को लूज़ करता है, और गाय भैंस और जानवरों का हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो ज़ीरो कर देता है, और उसका दूध पीने वाले प्राणियों, मनुष्यों, जो भी उसका उपयोग करते हैं, उस दूध का, उस घी का, उसको भी नपुंसकता आना ही आना है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के साइंस और विज्ञान कहता है। साथियों, डेयरी इंडस्ट्रीज में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा घटिया चारा दिया जाता है कि जो बहुत सस्ता होता है, और जिसमें साइलेज बनाने में केमिकल यूरिया जैसे केमिकलों का प्रयोग करके वो चारा सस्ता अवेलेबल करवाते हैं, और सस्ता होने के कारण डेयरी में ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिकल वायबल रहता है। तो इस प्रकार से ऐसा चारा देके लोग जो है वो अपनी कॉस्टिंग नीचे लाने का प्रयास करते हैं, ना कि खाने वाले के हेल्थ के बारे में सोचते हैं। क्या आप जानते हैं आप जहाँ से दूध, घी और पंचगव्य खरीदते हैं, उस गाय को गंदी नाली का पानी से बना हुआ खाना तो नहीं दिया जा रहा? दोस्तों, बच्चा जन्मते ही उसको उसकी माँ से दूर किया जाता है और लिमिटेड मात्रा में उसका दूध दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मातृत्व और वात्सल्य का संपूर्ण रूप से नाश किया जाता है। ऐसा दूध पीना एक जहर के बराबर है। ऐसा दूध पीने वाले, ऐसे दूधों का घी खाने वाले मनुष्य भी वात्सल्यहीन हो जाता है, मातृत्व और करुणाहीन हो जाता है। तो एक प्रकार की कहीं ना कहीं राक्षसी वृत्ति में हम शामिल होते हैं उसकी प्रोडक्ट खरीद के। जब तक हम मार्केट में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, तब तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो जिस चीज़ को आप खरीदते हो, जिस कंपनी से खरीदते हो, जिस व्यक्ति से खरीदते हो, उस व्यक्ति से या तो आपका रिश्ता होना चाहिए, या तो आपकी जान पहचान होनी चाहिए, या तो आप महीने में दो बार उसको विजिट करते हो, ऐसा ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। क्या आप जानते हो गोपालन पशुपालन में सूर्य प्रकाश कितना जरूरी है? सूर्य प्रकाश के बिना जगत के किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर विटामिन डी का सोर्स नहीं होता, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो जो गाय, जो भैंस, जो HF, उसको हमेशा सूर्य प्रकाश से दूर किया जाता है, जिसको एक ही गोठे में कंटिन्यू रख दिया जाता है, उसके अंदर ये विटामिन डी तो एक हम समझते हैं, बाकी उससे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी आती है, जिसका दूध और घी खाने से मनुष्य के अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा दूध कभी नहीं खाना चाहिए, ऐसा घी कभी नहीं खाना चाहिए। तो आप जानते हैं BT कॉटन, जो जीनेटिकल मॉडिफाइड सीड आए हैं आज 10-15 साल से भारत में, और उससे बनी खल गाय और भैंसों और HF को खिलाया जाता है, और उससे जो दूध निकाला जाता है, तो जो ये खल जो है, ये BT कॉटन सीड जो है, वो हॉर्मोन्स अनबैलेंस कर देते हैं और प्राणी मात्र में नपुंसकता आ जाती है। तो ऐसी कॉटन सीड की खली या कॉटन सीड खाने वाली गाय का दूध, घी, दही या पंचगव्य जहर के समान है। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है और साइंस में प्रूव हो चुका है। ये तो हुई पशुपालन की बात, ये तो हुई डेयरी इंडस्ट्रीज की बात। आइए, आप जानते हैं WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक भारत में और पूरे विश्व में 75% मरीज कैंसर के पॉजिटिव पाए जाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ओनली फूड है, ओनली और ओनली फूड। उसका कारण एक ये भी है कि आप जानते हैं भारत के अंदर 64 लाख करोड़ दूध की पर डे एवरी डे खपत है, उसके सामने भारत के अंदर ऑफिशियली मिल्क प्रोडक्शन ओनली 14 लाख करोड़ लीटर है। तो ये जो वेरिएशन है, जो ये दोनों के बीच में गैप है, वो कहाँ से भरा जाता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। गाय के अंदर से ममत्व और वात्सल्य खत्म करने के बाद ये इसकी प्रोडक्ट कभी नहीं खानी चाहिए। गाय को एकदम खुला, इस प्रकार से आप देखते हैं, एक प्रकार का एकदम खुशनुमा हवामान चाहिए, उसको घूमने फिरने की जगह चाहिए, उसको सीधा सूर्य से संपर्क चाहिए, उसको सीधा पृथ्वी से संपर्क चाहिए। यदि इस प्रकार से गोपालन नहीं होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी प्रोडक्ट खाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भले भैंस का दूध खाते हो तो उसको भी खुश रखो, उसके बाद उसका खाओ, अन्यथा आप भी जीव हिंसा की श्रेणी में आ जाते हो। क्या आप जानते हैं कि जो आप
जिस गाय का दूध या घी मंगवा रहे हैं उस गाय को कैसा चारा दिया जा सकता है, ये आप देख रहे हैं, ये जैविक चारा है, जैविक ज्वार जो फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा भरपूर और ग्लूकोज की मात्रा पूर्ण रूप से है। ये बचपन में जब हम छोटे थे तब इसकी डंठी भी खाया करते थे और आज भी यदि मनुष्य खाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं, इसके अंदर से रस निकलता है, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ये भी एक बहुत महत्व का है, आरोग्य के प्रति जो जागरूक समाज है उसको कैसी गाय का घी और दूध खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है, जहां 31 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है वहां 900 रुपये में घी मिलता है, क्या हो सकता है दोस्तों, ये भी एक सोचने का विषय हो गया है। बहुत बड़ी विडंबना होती है, जो सच्चाई से गोपालक और डेयरी उद्योग करते हैं उसको किसकी टक्कर देनी है, एक झूठे लोगों की और झूठे व्यापारियों की टक्कर देनी है। तो जागरूक समाज को होना है, जो करने वाले तो कर रहे हैं, कीमत उसकी करनी है जो सही में काम कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गूगल पे करके एडवर्टाइज कर सकूं। यदि आप इस बात का समर्थन करते हैं, यदि आप इस बात में सहमत है कि पूरे भारत को, पूरे भारतीय समाज को इस बारे में जगाना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरे जन जन तक पहुंचा दीजिए, पूरे भारत में इसको एक अमृत की समान फैला दीजिए, ताकि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय सनातनी और प्रत्येक समाज के श्रेष्ठ नागरिक और प्रत्येक समझदार लोगों को पता चले कि डेयरी उद्योग क्या है, डेयरी इंडस्ट्रीज क्या है और हम घर में कैसी चीज़ खाते हैं और कैसी नहीं खाना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप मेरी प्रोडक्ट मत मंगवाओ, लेकिन जिसकी मंगवाते हो उसकी गाय को शतावरी, जीवंती, अश्वगंधा, इन औषधि खाने वाली गाय का ही घी, दूध और दही मक्खन यूज करिए। और यदि नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार से ऐसे लोगों को सजेस्ट करिए कि मुझे ऐसी ही गाय का घी चाहिए जो गाय को शतावरी दी जाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार कितनी समझदारी से गाय एकदम करुण और वात्सल्य भाव से खड़ी है आपके सामने। इस प्रकार से गाय को खुशनुमा हवामान और खुशनुमा रहने का नहीं मिलता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस वीडियो को जन जन तक फैला दीजिए, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनियों को पैसा देके एडवर्टाइज हम नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि ये बात सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।